तो अभी जॉय और रोलेक्स की बहुत ज्यादा बड़ी वाली फाइट हो गई थी गाइस। ये देखो सारा हल्दी लगाया हुआ है, इधर भी पूरा फट गया, फाड़ दिया है रोलेक्स ने। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीआरपीएन ब्लॉग। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर रहा हूं, उसके बाद चलेंगे डॉग्स के पास। तब तक एक स्लॉट अपना कंप्लीट करता हूं 2-2.5 घंटे का, उसके बाद ही चलेंगे। अच्छा, तो रात में मैंने जो भी पढ़ाई की थी उसका थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे की और पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। इधर मैंने कुछ नोट्स भी बनाए थे रात में, इनके भी रिवीजन करने हैं अभी, तो शुरू करता हूँ अपना स्टडी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अभी थोड़ी सी पढ़ाई करके आ गया हूँ मैं डॉग्स के पास, और उनको बाहर निकालता हूँ, रूम में ही है अभी, ज्यादा टाइम नहीं हो रहा है। देखो दोनों आ गए हैं बाहर, अब थोड़ा सा धूप अच्छा निकला है आज एकदम मस्त, और गर्मी भी धीरे धीरे अब शुरू ही हो गई है। तो अभी तो जो जाएगा बाहर फ्रेश होने के लिए, देखो जा रहा है, और रोलेक्स को थोड़ी देर ग्रिप लगवाते हैं, वो भी उसके साथ ना चला जाए, उसको पकड़ना पड़ेगा। कम रोलेक्स, कम बॉय बॉय। तो रोलेक्स तो लग गया अपने वर्कआउट में, ग्रिप लगाना शुरू कर दिया उसने, लगाने देता हूँ जब तक इसका मन। अभी तो जस्ट शुरू किया है तभी लगाएगा, कम से कम 15-20 मिनट तक लगाने दूंगा, उसके बाद हटा दूंगा ग्रिप, फिर देंगे इसको अच्छा सा एक डाइट। लग रहा है ये टायर भी टूटने वाला है, देखो दिखाता हूँ कैसे ग्रिप लगाया, एकदम तगड़ा पकड़ के खींच रहा है ऐसे कि अब तोड़ ही देगा। ये देखो लो, तोड़ ही दिया, मेरे को लगा ही था कि टूटने वाला है। फिर से बांधता हूँ इसको, क्योंकि अभी इसका ग्रिप ज्यादा देर लगा नहीं है। रबड़ टूटा है आई थिंक, हाँ रबड़ टूट गया है टायर का, नया रबड़ लाना पड़ेगा, रबड़ तो फिर से काम में आएगा नहीं। और ये लो फिर से बांध दिया मैंने, इस बार कुछ ज्यादा ही ऊंचा हो गया है, मतलब उसको एकदम खड़ा होकर ग्रिप लगाना पड़ रहा है, आसानी से नहीं आ रहा उसके मुंह में। अब धीरे धीरे आवाजें निकालेगा ये, एग्रेशन में आएगा तो अब आवाज निकालना शुरू कर रहा है धीरे धीरे। देखो 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 कैसे एग्रेशन में आवाज निकाल रहा है। लेकिन ये भी टिकेगा नहीं, टूटने ही वाला है, थोड़ी देर का मेहमान है, बस टूट ही जाएगा। ये भी लगाने देता हूँ आज ग्रिप, पूरा तोड़ ही देते फिर कल नया जुगाड़ करेंगे इसके लिए। रोलेक्स ने तमाम कर दिया है टायर का काम, मेरे को पता ही था। जो अभी आ गया बाहर से फ्रेश होके, अब इसको खाना खिलाते हैं। कम जॉय, आवा आवा। और इसको भी अब देता हूँ खाना, बहुत ग्रिप लगा टायर का काम, देखो क्या हाल किया है, कितने सारे टुकड़े फैला दिया छोटे छोटे टायर के। अभी कल ही तो एक टायर खराब किया था, कल ही इसको लेके आया था मैं, आज इसका भी काम हो गया है। कम बॉय, कम रोलेक्स, कम बॉय, गुड बॉय। ये देखो मैं खाना रेडी कर रहा हूँ, तो कैसे जॉय पे अटैक कर रहा है। यहाँ पे रहा जॉय, इन लोगों का खाना भी रेडी कर रहा हूँ, देखो कैसे अटैक कर रहा है। धीरे धीरे कुछ ज्यादा इंप्रेसिव हो रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो। इसीलिए मैंने जॉय को इधर रूम में खाना दे दिया, वहां से इसको दिखेगा भी नहीं, नहीं ताकि इसके भी अटैक कर देगा। अब इसको खाना देता हूँ। A few moments later. तो अभी जॉय और रोलेक्स की बहुत ज्यादा बड़ी वाली फाइट हो गई थी गाइस। ये देखो सारा हल्दी लगाया हुआ है, इधर भी पूरा फट गया, फाड़ दिया है रोलेक्स ने, इधर भी थोड़ा सा देखो, उधर पैर पे भी निशान है। तो अभी फिलहाल इसकी दवा लेके आऊँ एंटीबायोटिक देने के लिए, ताकि इन्फेक्शन ना हो और घाव ना हो, तो देता हूँ पहले जॉय को, उसके बाद रोलेक्स के लिए भी लिया मैंने, उसको भी देना पड़ेगा। तो देखो वहाँ पे खड़ा हुआ है, देखो अभी भी वो एग्रेसिव लुक में दिख रहा है साले। और जॉय ने रोलेक्स पे भी बहुत सारे अटैक किए हैं, देखो उधर पैर पे दिख रहा है, देखो यहाँ पैर पे थोड़ा सा इंजरी हुआ है, उस पैर पे भी हुआ है, लिटिल बिट आग के ऊपर भी हुआ है। और दोनों की फाइट फूड एग्रेशन की वजह से हुई थी। मैं जॉय को खाना दे रहा था, पता नहीं रोलेक्स ने कैसे तोड़ लिया और आके सीधा अटैक मार दिया जॉय पे, मेरे को बचाते बचाते तब तक पूरा भयंकर वाली फाइट हो गई। फिर कैसे भी मैंने छुड़ाया फाइट, फिर लॉक लग गया था रोलेक्स का, ग्रिप छूट ही नहीं रहा था, पहली बार लाइफ में देखा मैंने कि लॉक कैसे लगता है। फिर उसमें डंडी डाल के कैसे भी करके बहुत मुश्किल से इसका लॉक छुड़ाया मैंने। उसके बाद मैंने डॉक्टर को कॉल लगाया कि ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, हालांकि दोनों वैक्सीनेटेड हैं, फुल वैक्सीनेटेड हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका, तो रेबीज का एंटी रेबीज का हुआ था वैक्सीनेशन, उसका भी हो गया था सारा वैक्सीनेशन, इसलिए उसको दूर बांधा है मैंने। तो डॉक्टर ने बोला कि कोई एंटीबायोटिक खिला दो, ताकि ये जो जख्म है वो इन्फेक्शन में ना फैलें, तो एमोक्सिलिन बोला डॉक्टर ने, जो अभी ला के मैं दोनों को खिलाया हूँ। देखो पानी गिरा दिया, खा भी नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से खिलाया हूँ, जो है तो अच्छे से खा लिया आसानी से। अब मेरी प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है कि दोनों एक साथ रहेंगे कैसे, अब एक को दूरी दूर रखना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी फाइट हो सकती है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा।
इसको पप्पी समझ के, इसको बड़ा समझ के, तो समझदार है बेचारा, फाइट भी नहीं करता है, दोनों को साथ रखा, लेकिन देखो कितना मासूम बेचारा, कैसे मायूस है, बहुत ज़्यादा इंजर्ट कर दिया है रोलेक्स ने इसको। रोलेक्स का लेफ्ट वाला पैर कुछ ज़्यादा इंजर्ड हो गया है, रोलेक्स के भी तीत, जॉय के भी तीत बहुत बड़े बड़े हैं, इसके लेफ्ट वाले पैर में लग गए हैं, तो थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा है, और इसने जॉय का पूरा पैर ही पकड़ लिया था, पकड़ के बहुत ज़्यादा झटका मार दिया, मुझे लगा लेग ही तोड़ देगा, मुश्किल से बचाया मैंने, तो वो भी लंगड़ा के ही चल रहा है, तो मुश्किल बढ़ गई है मेरी, दोनों को एक कमरे में रखना सही नहीं है, क्या पता रात में फाइट हो जाए और किसी की जान ही चली जाए। बात तो सही है, दोनों तो अपने ही डॉग हैं, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती तो प्रॉब्लम मुझे ही होगी, इसलिए इसको अब यहाँ पे बांधना पड़ेगा और जॉय को वहाँ पे, हालांकि अब गर्मी आ गई है, बाहर भी रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो दो रूम है मेरे पास इधर, इसमें रोलेक्स को रख देंगे, इधर वाले में जॉय को रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉय बेचारा बहुत डर गया आज, कुछ ज़्यादा ही डरा हुआ है, इसने कभी फाइट की नहीं किसी साथ जिसकी पहली बार फाइट हुई है, स्ट्रीट डॉग इस पर हमला करते हैं छोटे छोटे पप्पी, तो उनसे भी बेचारा डर के भाग जाता है, बहुत सीधा है, आज रोलेक्स ने इस पर कुछ ज़्यादा ही अटैक कर दिया था। फाइनली शाम हो गई गाइस, और मुझे नहीं लगता है दोनों डॉग अगर बाहर दाने की कंडीशन में है, जॉय भी एकदम मायूस सा बैठा हुआ है, और रोलेक्स की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे, आज फाइट इसकी हुई है ज़बरदस्त, और बहुत ज़्यादा चोट लगा है दोनों को एक दूसरे की वजह से, तो आज रहने देते हैं इनको, अच्छी सी डाइट देते हैं, ये भी देखो लंगड़ के चल रहा है, और कहीं घुमाने नहीं ले जाएंगे आज, ऐसे इन लोगों को रिलैक्स होने देता हूँ दोनों को। फाइट होने के बाद रोलेक्स को यहाँ बांधना पड़ा मुझे, और अभी खाना दिया इसको, उसमें पेन किलर भी देना पड़ा, क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा फीवर जैसा लग रहा था, मुझे पेन हो रहा होगा ना फाइट के बाद, इसलिए दिया मैंने, और जॉय को इधर रूम में बांध दिया हूँ ताकि फिर से दोनों की फाइट ना हो। ये रहा जॉय, अपना खाना खा रहा है, इसको मैंने पेन किलर दिया है खाने में मिला के, ताकि रात में आराम हो जाए।